खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और इससे पहले हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बता दें आपको कि इस हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया। यूपी सरकार के हलफनामे में बड़ा दावा किया गया है कि परिवार के मंजूरी के बाद और हिंसा से बचने के लिए आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने अयोध्या बाबरी केस की वजह से जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ ने इकट्ठा होने देने की जिक्र किया। यूपी सरकार का यह भी कहना है कि अयोध्या बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना के मद्देनजर परिवार की मंजूरी से पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार किया गया। कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी कहा कि जांच को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। साथ ही यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अदालत को मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश देना चाहिए। वहीं सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपराध की घटना मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस केस के जरिए जाति और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की। इसके लिए सोशल मीडिया, कुछ वर्गों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कि कथित रूप से हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया इनपुट थे। युवती और आरोपी दोनों के समुदायों के लाखों लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ गांव में इकट्ठा हो सकते थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।